भाजपा उम्मीदवार एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा की ओर से सोमवार को अपना नामांकन पत्र भरा गया। एसडीएम कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर गुरसिमरन सिंह के कार्यालय में वो इस प्रक्रिया के लिए उपस्थित रहे। इस मौके पर उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता भी थे और सबने इस मौके पर उन्हें अपना भरपूर समर्थन दिया। उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी दिया और कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें उनकी व्यवस्थाएं बदलें और उनके हालात बदलें और इस पार्टी को कोई मुंह तोड़ जवाब देने वाला हो, ऐसी पार्टी वह चाहते हैं। ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि कोरोना के कारण कार्यकर्ता के जोश में कमी नहीं है, लेकिन बंदिशों का हमने पूरी तरह से पालन करते हुए आज नॉमिनेशन जो है उसको भरा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पिछले 2-3 दिन से मेरा पूरी विधानसभा में जाना हो रहा है। लोग बदलाव की ओर हैं, पंजाब स्थिर सरकार चाहता है, पंजाब एक ऐसी सरकार चाहता है कि जो सरकार ना बदले उसके साथ साथ व्यवस्था भी बदले। व्यवस्था बदलने के लिए लोग वोट डालने को उत्सुक हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस ज़िले की तीनों सीटें और पंजाब के अंदर सरकार बनेगी। ऐसा है कि विपक्ष को जनता कहने के मूड में है कि पिछले 5 सालों में जिस प्रकार जो वादे करके उन्होंने सरकार प्राप्त की थी उसका जवाब मांगने का समय मतदाताओं के पास है और वो पाई पाई का हिसाब करेंगे, क्योंकि ये सरकार 4-5 मुद्दों पे सत्ता में आई। उसमें एक मुद्दा था बेरोज़गारी, दूसरा था भ्रष्टाचार, तीसरा था बेअदबी के मामले में सजा दिलवाना, लेकिन किसी भी मुद्दे पे ये सरकार सफल नहीं हो पाई। और नशा मुक्ति की बात की थी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, पंजाब के अंदर नशे में पंजाब की जवानी ग्रस्त हो रही है। इन सब मुद्दों पर कांग्रेस को मतदाता को जवाब देना पड़ेगा। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।